वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और अगर आपको आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी ना, अगर आपको बहुत धीरे आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ोन और हेडफोन घर पे ही भूल आया हूँ। बल्कि भूल भी के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं सुबह के। जस्ट इमेजिन, क्योंकि एक यूट्यूबर के पास क्या हो सकता है। तो अगर एक यूट्यूबर होता बड़ा तो वो टाइमिंग ऐसे घड़ी से ही दिखाता। तो मैंने इमेजिन करके आपको टाइम बता दिया कि एप्पल सीरीज़ की वॉच है मेरे हाथ में और टाइम हो रहा है 9:30, जो कि मेरे को पहले से ही पता था। और यहाँ ये एरिया में कुतुब नगर में, यहाँ पे देखो कुतुब मीनार बना हुआ है दूसरा, अगर पता नहीं दिखा है या नहीं दिखा, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। तो कुतुब मीनार बना हुआ है आधा अधूरा। और एक खासियत इस ओस्मो के कैमरे में ये भी है कि ये बिना किसी माइक के ना बहुत अच्छी वॉइस कैच कर लेता है। ये मैंने अपने कल के ब्लॉग में भी डाला था। और हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गया, मैं सुबह सुबह निकला, मतलब सुबह तो निकला ही हूँ, मतलब ये इतनी भी सुबह नहीं है कि अभी अपनी बहन को मैं छोड़ने जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट। तो जल्दबाजी में उठ के आ गया मैं, चश्मा भी नहीं पहना और दूर तक का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ज़्यादा, मतलब दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला होता है। क्या ही बोले अब इस बारे में, हम जल्दबाजी में उठ के आ गए। बस इतना था कि मेरे को कैमरा उठाना था और व्लॉगिंग शूट कर देनी थी, तो शूट कर रहे हैं। यार एक चीज़ हो रहा है, पता है क्या है, आज सुबह सुबह मतलब रात को, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है और आपके साथ होता है नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादातर होता है मेरे साथ। रात को मैं 1-2 बजे मेरी नींद खुल जाती है, उसके बाद आती ही नहीं है नींद। कि यहाँ ये स्कूल खुल गया, लग रहा पेपर है शायद। तो मैं ये कह रहा था कि रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे मेरी नींद खुल जाती है, और कल रात को तो ऐसी खुली मेरी नींद कि सुबह तक जागा रहा मैं बस। तो भाई साहब, तो मैं ये कह रहा था कि सुबह तक फिर मेरे को नींद ही नहीं आई। 1:30-2 बजे पता नहीं क्या हुआ, एक सपना सा देख रहा था, अब सपना भी याद नहीं है, और फिर मेरे को मेरी नींद खुल गई और सुबह 4:30 बजे मैं सोया हूँ। फिर 4:30 बजे मैं ऐसी पड़ा रहा बेड पे कि अब आएगी नींद, अब आएगी नींद, अब आएगी नींद, लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ। फिर सुबह अब उठ गया मैं 9 बजे के करीब, अब 9:30 बजे निकल चुका था मैं घर से, जो कि अब आप देख ही रहे हो। और देखा जाए ना, DJI क्या ओस्मो की जो बैटरी जो कैमरे के साथ आई थी कंपनी की, वो बैटरी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है उस बैटरी से, जो बैटरी मैंने अलग से मंगाई है 3,000 रुपये की। वैसे देखा जाए तो 3,000 रुपये और 7,000 रुपये में बहुत ही फ़र्क होता है, जो कि मेरे को नज़र भी आया, क्योंकि जो दूसरी मैंने मंगाई वो बैकअप थोड़ा सा कम है उनका, हालांकि वो काम चला सकती हैं अगर किसी बैटरी अगर मेरी ख़त्म हो गई तो, कम से कम 3 बैटरीज और एक्स्ट्रा है मेरे पास कि मैं शूट कर सकूं। बस उनमें ये क्या है कि बैकअप की थोड़ा पंगा है बैकअप का, कि वो बैकअप नहीं इतना है उनका, बैकअप नहीं है इतना उन बैटरीज का, लेकिन बस काम चल रहा है। जिस दिन ज़्यादा पैसे आएंगे यूट्यूब से उस दिन भाई साहब हर चीज़ कंपनी की लेंगे, बाहर की कोई अलग से कंपनी की चीज़ लेंगे ही नहीं। लेकिन उस, और हाँ यार मैं भूल ही गया आपको ये बताना कि 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने। आवाज़ आ रही है तेरे को पैसे पीछे बैठी हुई है तो हैं? वैसे मेरी बहन को भी आवाज़ आ रही है, वो भी सोच रही होगी क्या ही बोल रहा हो, क्या ही बोल रहा है ये। तेरे को कैसा लग रहा है, हंसी आ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा आज पेपर वेपर है क्या, टेस्ट है? ओके, हाँ तो फिर मैं ये बता रहा था 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और यार इसी के साथ प्लीज़
और सपोर्ट करो अपने भाई को, जल्दी से 100 टू वो 1000 2000 3000 1 लाख 50 लाख सब भाई सब जल्दी से जल्दी करा दो यार प्लीज। ये चप्पल है चप्पल, क्योंकि सपोर्ट दिखाओ प्लीज यार, बस आप ही का एक आसरा है और बाकी तो सब क्या ही बोले, इसके आगे लाइन बन नहीं रही है। और अरे यार एक चीज़ और भूल गया, मैं फ्लाइंग बीस्ट का देख रहा था व्लॉग, तो यार जब ये उत्तम नगर वाले घर में आ जाते हैं ना, एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है मेरे को कि अभी मैं जाने वाला हूँ, अगर बालकनी में दिख गए तो हेलो कर लूँगा दूर से ही, और अगर फ़ोटो भी खिंचवाने आ गए तो फ़ोटो भी खिंचवा लूँगा। और तीसरी चीज़, बुरा मत मानना यार, बुरा ना मान जाए घर पे क्यों आ गए। वैसे देखा जाए उन्होंने व्लॉग में घर के अंदर तक की बात करी है, घर के बाहर तक की खुद ही उन्होंने बोला घर में आ जाओ, मतलब घर के बाहर आ जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचवा लो नीचे आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए हम घर के बाहर ही खड़े रहेंगे। अगर वो टाइम पे आ गए, मैं लेट नहीं हुआ तो ठीक है, वरना फिर क्या ही बोलें हम। ब्रह्म में जा रहा हूँ फ्लाइंग बीस के घर, गौरव भैया के घर। थोड़ा सा और इंतजार, भूख लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, अंकल जी पूछ रहे हैं कि ये कैमरा है, तो अंकल जी पूछ रहे थे कि ये कैमरा है कैमरा। भाई साहब अच्छा लगता है वैसे ये देखकर कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। तो फिलहाल अपन चलते हैं, अगर बालकनी में मिल गए तो मैं यहीं से हेलो हाय कर दूंगा, लेकिन अभी तो कहीं नहीं बालकनी में, होंगे भी तो क्या ही पता चलेगा, एटर्न में तो वहीं खड़ा हुआ है, तो हम यहाँ कोने में खड़े हो जाते हैं ज़रा, अगर दिख गए बाय चांस एनी टाइम फिटनेस जिम। लेकिन सॉरी अगर गौरव भाई आप हमारा व्लॉग मेरा व्लॉग देखते हो, मतलब बाय चांस गलती से चला जाए या दिख जाए आपको, देखो घर तो सभी ने देख रखा है, मैं तो फिर भी शरीफों की तरह एक कोने में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये इस घर में आते हैं ना यार, एक मोटिवेशन सा मिल जाता है उनकी लाइफ, एक मतलब क्या है ना कि सबकी। अब बहुत से बंदे कहेंगे यार वो उनकी लाइफ है, वो फेमस है, तुझे क्या मिल रहा है, लेकिन यार बहुत चीज़ें होती हैं, वाइब्स होती हैं जो गुड वाइब्स होती हैं, जो बढ़िया वाइब्स होती हैं, बस क्या वाइब्स, ऐसी ऐसी वाइब्स का नाम ले लो जो हर तरीके से बढ़िया होती है, मोटिवेशन देती है, तो बस यही मेरे को मिलता है जब ये यहाँ दिल्ली में आ जाते हैं। तो यार चलो ठीक है यार, अब क्या ही घूमना इनके घर के आगे, बार बार सो रहे होंगे हो सकता है। ये जो वॉइस है अगर आपको बढ़िया नहीं आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये सारी वॉइस अभी तक रिकॉर्ड हुई है, ये ओस्मो के कैमरे से ही हुई है, हेडफोन और फ़ोन नहीं लाया, जो कि आपको बता चुका हूँ मैं पहले। तो मुझे बता देना कि अगर वॉइस आपको वही वाली अच्छी लगती है या ये वाली भी अच्छी लग रही है, सही सुनाई दे रही है, तो मेरे को बता देना। और सुबह का टाइम है और ये एरिया पॉश एरिया है, तो यहाँ पे तो खैर इतना मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, तो आवाज़ शायद क्लियर आ रही होगी थोड़ी बहुत। बाकी अपन घर निकलते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा से, कपड़े वपड़े पहन के नहा धो के, और इस वक्त इतनी तेज़ भाई साहब बिना फ्रेश हुए घर से निकल गया, और अब इतना तेज़, समझ रहे हो, सुबह सुबह इतना तेज़ प्रेशर बन रहा है पेट में, बुलबुले छूट रहे हैं भैया। फिलहाल मैं अपने कैमरे को वापस से डिग्गी में रख रहा हूँ, क्योंकि तो जितनी भी धूल मिट्टी है मुझे सिर्फ डस्ट से, जितनी भी डस्ट है ना किसी चीज़ से डर लगता है। तो फिलहाल मैं घर के लिए निकल रहा हूँ,
और ये है सेटअप मेरा पूरा का पूरा। तो डिग्गी में रख रहा हूँ अब ताकि गंदा ना हो किसी भी तरीके से, और फिर मिलते हैं। खत्म।